मैं खेलती हूँ, आई प्ले। वह जाता है, ही गोज। वह बोलती है, शी स्पीक्स। हम खाते हैं, वी ईट। मैं लिखती हूँ, आई राइट। वह पढ़ते हैं, दे रीड। सभी सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि ये सभी के सभी जो एक्शंस है, जो क्रियाएं हैं, वो हर रोज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। ओके, तो इन सेंटेंस में एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, ये जो टीच है वो क्या है, विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। ये जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिए हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये टॉपिक कहाँ पे यूज़ होता है वो भी आप सीखने वाले हो। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो चैनल को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो एक्शन हर रोज़ होती है, इट मीन्स मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। इसमें जो आई के बाद जो एक्शन आता है वो है वर्ब, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो ये जो एक्शन है मेरी इंग्लिश पढ़ाने की, ये हर रोज़ होती है। ओके, जस्ट लाइक आई टीच इंग्लिश डेली, आई टीच इंग्लिश वीकली, आई टीच इंग्लिश मंथली, आई टीच इंग्लिश ईयरली। ओके, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। ओके, इससे क्या साबित होता है कि जो एक्शन हम हर रोज़ करते हैं, जो एक्शन हम हर सप्ताह करते हैं, जो एक्शन हम हर मंथ में करते हैं, या फिर जो एक्शन हम ईयरली करते हैं, ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, हम उसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर उसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म क्यों, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। ओके, जिसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं, उसका फॉर्म कहीं भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये मेन वर्ब है। ओके, तो ये जो मेन वर्ब है, ये इंग्लिश बोलने के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हम डेली रूटीन में जो हम हर रोज़ काम करते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी वन, द फुल फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर हम उसको बेस फॉर्म, रूट फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ होता है। तो देखिए, इसमें कुछ चेंजेस है, मतलब आप हर एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनमें कुछ चेंजेस भी दिखाई जाते हैं। सो वो क्या है वो भी समझते हैं। जस्ट लाइक, जब सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, प्लूरल मीन्स जब जो एक्शन करने वाला पर्सन है ये एक से ज़्यादा लोग होंगे, इट मीन्स प्लूरल होंगे, तब आपको यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जो एक्शन करने वाला जो पर्सन है वो अगर सिंगुलर है, एक है, तो उसके बाद जो वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं उसके बाद आपको एस और ई एस फॉर्म को लगाना है। ओके, सो वी वन फॉर सिंगुलर, सॉरी, वी वन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी वन प्लस एस ई एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जब यहाँ पे वर्ब आएगा गो, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, गोज। जब यहाँ पे आएगा स्पीक, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्पीक्स। ओके, तो नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगर सिंग होगा तो यहाँ पे आएगा सिंग्स, यहाँ पे अगर राइट होगा तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे राइट्स। ओके, यहाँ पे अगर टीच होगा तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है टीचेस। ओके, तो यहाँ पे हमने यस या फिर ईयर्स फॉर्म लगाया है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो खाली वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद आपको यस और ईयर्स फॉर्म लगाना है।
तो देखिए कौन से सब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं वी वन और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एस ई एस लगाना है वो भी समझते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आएंगे आई यू वी या फिर दे या फिर टू पीपल होंगे तब आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी आप सोचेंगे कि जो आई है इट इज ऑल्सो सिंगुलर, ओके आई तो सिंगुलर है पर आई इसमें एक्सेप्शन है, आई के बाद आपको वी वन ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लाइक आइसक्रीम, ओके तो आई के बाद आपको वी वन का ही यूज़ करना है, वर्ब को एस ई एस नहीं लगाना है। ओके सो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है कि जिसके बाद हमें वर्ब को एस और ई एस लगाना है वो कौन से है, ही She, it या फिर कोई सिंगुलर पर्सन अगर होगा तो उसके बाद आपको लगाना है एस या फिर ई एस फॉर्म। ओके तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल है। फर्स्ट आपको लेना है सब्जेक्ट, देन लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समटाइम आज आप एस और ई एस का यूज़ कर सकते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो एस ई एस है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है और इसको हम वी फाइव भी बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी उसको बोलते हैं। ओके सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही प्लेज क्रिकेट, ओके वह क्रिकेट खेलता है। अभी उसकी क्रिकेट खेलने की एक्शन रोज़ होती है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही प्लेज क्रिकेट। अभी यहाँ पे ही ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब आएगा उसको हम एस लगाएंगे, सो ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट इज वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। यहाँ पे वी मतलब हम, एक से ज़्यादा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो खाली आपको मेन वर्ब यूज़ करना है, उसको एस ई एस नहीं लगाना है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट इज शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। वह मतलब वो सिंगुलर है सो यहाँ पे वर्ब को लगेगा एस फॉर्म, सो शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट इज दे वॉच मूवी, अभी दे भी एक से ज़्यादा है मतलब वह, तो दे वॉच अ मूवी, वॉच को भी एस ई एस नहीं लगेगा, दे वॉच मूवी। नेक्स्ट इज राहुल कम्स टू क्लास, राहुल क्लास आता है, राहुल कम्स टू क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब को एस और ई एस फॉर्म लगाया, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे खाली हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। देन शी इज़ ऑल्सो सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज़ वी वन प्लस एस ईयर्स। दे आर प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज़ वी वन ओनली। राहुल इज़ अ सिंगल पर्सन, दैट्स वाई वी यूज़ वी वन प्लस एस और ईयर्स। ओके तो इसको और डिटेल में समझने के लिए लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल I wake up early in the morning, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ये जो एक्शन है वो हर रोज होती है तो यहाँ पे आएगा I wake up early in the morning। अभी wake up ये जो है वे verb का first form है, जैसे कि मैंने बताया कि I के बाद आपको खाली verb का first form use करना है। Next is he helps me, वह मेरी मदद करता है, he helps me। Okay, यहाँ पे verb को हमने as form लिया just because of singular subject। Next is This car runs on petrol. वो यह जो गाड़ी है वो पेट्रोल पर चलती है। ओके हमेशा के लिए मतलब डेली जो हम वर्क करते हैं, डेली रूटीन भी हम विद द हेल्प ऑफ वी वन बता सकते हैं। मतलब अब हम जब अपना डेली रूटीन बताते हैं तो भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सो दिस कार रन्स ऑन पेट्रोल, अभी एक गाड़ी है, एक कार है, इसलिए वर्ब को लगा As form, so this car runs on petrol. Next is I drink water, मैं पानी पीती हूँ। He runs a business, वह business चलाता है, he runs. Okay. Then Rohan drives a car, रोहन गाड़ी चलाता है, रोहन drives a car. यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, as form लगाया, because रोहन is a singular noun. Okay, singular subject. Then he studies all night, वह रात भर पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे ही है, इसलिए हमने यूज़ किया एस और यस
फॉर्म है. ओके, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, इसका यूज़ हम डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो एक्शन हम हर रोज़ करते हैं उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ध्यान में रखना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके बाद आने वाले वर्ब को हम SES फॉर्म लगाएंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है विथ आई जिसके बाद हम खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. और ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम लेंगे तो इसका यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.